मेरा नाम आनवी कनोडिया है और मैं 16 साल की हूँ और मैं ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ। मैं बहुत सालों से एक ज़रूरतमंद बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी, आर्ट सिखाती थी, और तब मैंने नोटिस किया कि लड़कियाँ कभी कभी नहीं आ रही थी, वो एक महीने में कभी कभी मिस करती थी। तो मैंने जब टीचर से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने पीरियड के समय स्कूल नहीं आती थी, और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि 4 में से एक लड़की स्कूल से निकल जाती है जब वो अपने पीरियड स्टार्ट करती हैं। ये मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे इसके फील्ड में कुछ करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, और इसीलिए सनचिल फाउंडेशन की मदद से मैंने फ्लो पैड्स पिछले साल जुलाई में चालू किया। सनचिल फाउंडेशन एक एनजीओ है जिसने हमें बिगिनिंग से ही बहुत मदद की है और सपोर्ट दिया है, और हम उनके साथ कोलैबोरेशन में हैं। अब जब फ्लो पैड्स की बात करें तो फ्लो पैड्स 4 फोल्ड बेनिफिट्स पे चलती हैं। पहला कि हम अवेयरनेस करते हैं, हम लेडीज़ को बताते हैं कि आपके पीरियड्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, और उनको उनके पास जो गलत फहमियाँ हैं वो हम उनको दूर करते हैं, और हम उनको बताते हैं कि आपको प्लास्टिक का पैड क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनके लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं प्लास्टिक के पैड की वजह से, और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, और हम उनको बताते हैं कि आपको कपड़े का पैड क्यों यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फ्लो किट एक ऐसा लगता है, उसके अंदर 3 पैड होते हैं और एक इंस्ट्रक्शन शीट होती है जिसमें लिखा होता है कि आपको पहनना कैसे है और धोना कैसे है। और 3 यह पैड्स और ये किट जो बनता है वो गांव की लेडीज़ बनाती हैं। अभी कोविड के समय उनकी जो कमाई है वो कम हो गई है क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये जो किट है, ये जो पैड्स है वो लेडीज़ गांव की ही बनाती हैं, और उनको थोड़ा पैसा मिलता है उसके साथ, और जिससे वो कमाई अपनी रख सके। और 4th है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। सब जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, और ऑब्वियसली अगर आप प्लास्टिक के पैड यूज़ करते हैं तो वह 500 से 800 साल लगते हैं उसको गलने के लिए, और एक औरत की मेंस्ट्रुअल लाइफ में जितना वह जब तक उनके पीरियड्स होते हैं तब तक वो 250 केजी प्लास्टिक का वेस्ट जनरेट करती हैं। और ये है जो क्लॉथ पैड्स है, ये 2 साल चलते हैं और बायोडिग्रेडेबल है, तो ये पर्यावरण के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो कपड़े से बनता है वो वेस्ट कपड़ा है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन है, लेकिन यह वेस्ट है, हम लाते हैं वेस्ट कपड़ा और उससे बनाते हैं, तो वैसे भी वह पर्यावरण के लिए बहुत बेनिफिशियल। फ्लो पैड्स को बनाने में बहुत समय लगा, हमने 4 से 5 ट्रायल डिज़ाइंस किए, क्योंकि हमने जब पहला राउंड डिस्ट्रीब्यूट किया था तो डिज़ाइन अलग था, और लेडीज़ ने हमें बताया कि उनको यह टांगने में, बाहर सिखाने में शर्म आ रही थी क्योंकि पैड की तरह लग रहा था। तो हमने बहुत सारे डिज़ाइंस ट्राई किए और ये फाइनल डिज़ाइन है, क्योंकि ये अब रुमाल की तरह लगता है, अगर आप ऐसे सिखाए तो एकदम रुमाल की तरह लगेगा और पैड की तरह लगेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमने ये डिज़ाइन चूज़ किया। और ये जो कपड़े से बनता है वो वेस्ट कपड़ा है, 100% ऑर्गेनिक कॉटन है, लेकिन यह वेस्ट है, हम लाते हैं वेस्ट कपड़ा और उससे बनाते हैं, तो वैसे भी वह पर्यावरण के लिए बहुत बेनिफिशियल। क्लॉथ पैड्स हैवी फ्लो डेज के लिए भी परफेक्ट है। अगर इनकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये 100% सुरक्षित है, 100% स्वच्छ है और 100% आरामदायक है। इनसे एलर्जी नहीं होती,
जो डिस्पोजेबल पैड से आपको एलर्जी हो सकती है, आपको खुजली हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये उससे नहीं, क्लॉथ पैड से नहीं होंगे। और डिस्पोजेबल पैड्स में डायऑक्सिन नाम का एक केमिकल है जिससे कैंसर भी हो सकता है, तो वह हेल्थ के लिए आपके बहुत बहुत डेंजरस है। इसीलिए क्लॉथ पैड्स आपको हेल्थ में भी बेनिफिट कर सकते हैं। और सरप्राइजिंग बात ये है, जब मैंने यूज़ किया तो मुझे पता चला, और जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जब आप डिस्पोजेबल पैड यूज़ करते हैं तो स्मेल बहुत आती है, दुर्गंध बहुत आती है, बदबू बहुत आती है, लेकिन जब आप क्लॉथ पैड यूज़ करते हैं तो एकदम बदबू नहीं आती। ये बताता है हमें कि आप बदबू आपके खून में नहीं है। जब आपका खून प्लास्टिक और पसीने से मिक्स हो जाता है तब बदबू आती है। ये एक फ्लो पैड है, इसके अंदर 7 लेयर है, उसमें से एक लेयर वाटरप्रूफ लेयर है जिससे वो आपके दूसरी तरफ खून ना निकल जाए। और यह नॉर्मली पहनते हैं, जैसे आप डिस्पोजेबल पैड पहनेंगे ऐसे आप अपने अंडरवेयर पे लगा सकते हैं और बस नॉर्मली पहनना है। इसके अंदर 2 बटन हैं, अगर आपको टाइट करना है तो आप दूसरे बटन में लगाइए, और अगर आपको लूज रखना है तो आप पहले बटन में लगा सकते हैं, और ये नॉर्मली ऐसे ही लग जाएगा। हम आपको ये सब बताते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन शीट में, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको पहनना कैसे है और धोना कैसे है। धोने के लिए बहुत आसान है, आपको यह निकालना है अपने अंडरवेयर से, ठंडे पानी में 30 मिनट मिनिमम रखना है। आपको कुछ 6 घंटे रखना है 6 घंटे रख सकते हैं, 12 घंटे रखना है 12 घंटे रख सकते हैं, कभी भी ठंडे पानी में भिगोना है, बस अब 30 मिनट मिनिमम रखना है, कितना भी टाइम रह सकता है। फिर रगड़ना है, साबुन डाल के रगड़ना है, और धूप में सुखाना है, क्योंकि धूप सारी बैक्टीरिया को किल कर देती है, तो धूप में सुखाना बहुत इम्पोर्टेंट है।